समझ गए ना, अच्छा। ये राजनीति का सरकार को अब क्या करना चाहिए? सरकार को यही चीज कहना चाहते हैं कि अपना घमंड छोड़ दें। अच्छा हाँ, सरकार मतलब घमंड दिखा रही है? सरकार घमंड दिखा रही है किस प्रकार से? हाँ, किस प्रकार से? हम सबसे शेर हैं। अच्छा हाँ, बिहार में मतलब शराबबंदी लागू किए फिर भी बिक रहा है? फिर भी बिक रहा है, खुद सरकारें पी रहा है दारू। सरकार खुद दारू पी रहा है। प्रणाम नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज, मैं आपके साथ सन्नी सिंह। अभी हम देखिए गोविंदपुर, अभी हम चेक पोस्ट पे, यहाँ से जितनी भी गाड़ी जा रही है सबको ईमानदारी पूर्वक एक एक गाड़ी को चेक किया जाता है। और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अभी हम गोविंदपुर चेक पोस्ट यहाँ थाना के पास है, जहाँ से कि झारखंड से बिहार की ओर जितनी भी गाड़ी जाती है एक एक गाड़ी को चेक किया जाता है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है बिहार सरकार के द्वारा, जितने भी पुलिस प्रशासन सुरक्षा में तैनात है, अपना ड्यूटी हमेशा ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हम बता देते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे बिहार पुलिस के जवान रहते हैं और अपना ड्यूटी निभाते हैं। और एक चीज़ आप ऊपर कैमरा कीजिएगा और देखिएगा, मतलब उनके रहने के लिए एक शेड भी नहीं बना हुआ है। एक बार मैं बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि जिस पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत या कहीं भी कुछ गलती होती है तो जिस प्रकार से आप तुरंत संज्ञान लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको लाइव दिखाने का प्रयास करता हूँ कि अभी वर्षा का माहौल है, हालो दिन पानी पड़ते रहता है, अगर किसी प्रकार से तेज बारिश होती है तो आप इधर कैमरा करके एक बार दिखाइएगा कि यहाँ से नहीं मतलब पानी रुक सकता है और न ही ये लोग यहाँ से सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो पुलिसकर्मी अभी तैनात है, मैं उनसे भी 2 मिनट बात करने का प्रयास करता हूँ। नाम क्या है सर? रणवीर कुमार। रणवीर कुमार, पूरे भी नाइट ड्यूटी आपका जी? कितना बजे तक? 6 बजे सुबह तक। 6 बजे सुबह तक। अच्छा ये बताइए कि अभी तो हम आए थे तो देख रहे थे आप लोग अपना ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक सुरक्षा में आप लोग तैनात थे। एक चीज़ बताइएगा सर कि इस प्रकार से मतलब शेड नहीं है, गर्मी का मौसम होता है, धूप में भी यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, इतना जोर गर्मी करती है, पानी का मौसम आता है, तो आप लोग कैसे मतलब यहाँ पे रहते हैं? पानी नहीं गिरता है तो साइड में चल जाते हैं दुकान वाला के बगल, दिक्कत का तो सामना करना, दिक्कत है ही है। देखिए अभी यहाँ पे गाड़ी आई, एक बार गाड़ी को उधर उधर दिखाइएगा और गाड़ी को चेक किया जाएगा कि गाड़ी जो आ रही है, पहले तो गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है और उसके बाद में मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, नंबर नोट करने के बाद में गाड़ी को चेक किया जाता है कि कहाँ से गाड़ी आ रही है और कहाँ जा रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आ रहे हैं से मरचोई से। मरचोई से? हाँ। कहाँ जाइएगा अभी? 6 मई गोपालपुर। गोपालपुर, अच्छा देख सकते हैं गाड़ी अभी चेक, एक ही गाड़ी को मतलब बढ़िया तरीके से इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि अभी हम गोविंदपुर चेक पोस्ट पे हैं और गोविंदपुर थाना के पास है। जो भी गाड़ी उधर से आती है झारखंड से बिहार की ओर जो भी गाड़ी जाती है एक एक गाड़ी को मतलब देख सकते हैं आप, आगे आइए आगे दिखाइएगा कि बिहार पुलिस की जो जवान है उनके द्वारा एक एक गाड़ी को मतलब बड़ी तरीके से सुरक्षा के द्वारा चेक किया जाता है। हालांकि इसके पीछे एक साइज के भी लोग हैं, वो भी अपना ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। और अभी यहाँ पे गोविंदपुर थाना के पास है, यहाँ पे 2 पुलिसकर्मी हैं, 2 प्रशासन है, अपना ड्यूटी हमेशा, मैं जब भी जा रहा था देख रहे थे अपना ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक से हमेशा ये लोग निभाते हैं। हालांकि जितने भी गाड़ी आता है एक एक गाड़ी को बढ़िया तरीके से जांच किया जाता है, एक एक गाड़ी का पहले नंबर नोट किया जाता है, जब गाड़ी का नंबर नोट हो जाता है उसके बाद फिर यहां से एक एक गाड़ी को हर एक जगह से चेक किया जाता है। जब ये लोग सर्टिफाइड हो जाते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद से यहां से गाड़ी को बिहार की ओर रवाना किया जाता है। जो पब्लिक को दिक्कत होता है, आम पब्लिक को, हाँ हाँ, उसके उस क्या आम पब्लिक को दिक्कत, मतलब जैसे अभी हमको रोका गया, हाँ, मेरा 5 मिनट टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे आम पब्लिक को भी दिक्कत। चीज बताइएगा जिस तरह से पूरे बिहार में शराबबंदी लागू चल रहा है, हर एक एक ही गाड़ी को पुलिस प्रशासन तो अपना बंद है शराब, यही चीज फिर क्वेश्चन अभी हम भी कर रहे हैं। अच्छा। बिहार में शराब कहाँ बंद है? कहाँ नहीं बंद है? कहाँ बंद है? एक जगह मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है, आप लोग दिखाते क्यों नहीं, बताते सूचना क्यों नहीं? वो तो अब तो ऊपर वाला बात हो गया कि सूचना क्यों नहीं देते, कार्रवाई नहीं होती है, कहाँ करो? अभी चलिएगा तो आपको चौक पे 2 गो जरूर पिया हुआ ढुलकते हुए मिलेगा। कौन से चौक पे? कोई भी चौक पे हमेशा। हाँ अच्छा एक चीज बताइए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया था, हाँ। 2 मिनट का टाइम तो आपका और लगा, मेरा लगा, हाँ। पूछ दिया। मेरा डीजल जला। एक चीज आप गाड़ी बंद भी कर सकते थे, हाँ। एक चीज मेरा सुनिएगा, अभी आप बोले कि 5 मिनट मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है ना, ये लोग अपना ड्यूटी अगर नहीं निभाएंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई। ये लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, वो भी अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। ड्यूटी निभाते हुए आपका टाइम, वो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अपना ड्यूटी निभा रहे हैं ना, वो तो है, मान रहे हैं। तो इस चीज पे
बस तो जब ड्यूटी निभाएंगे तो टाइम तो आपका वेस्ट होगा। पब्लिक खराब होता है, दो मिनट तो टाइम देना पड़ेगा आप लोग को। वो तो समझ नहीं, नहीं इनका ड्यूटी है एक एक गाड़ी को। अभी अभी मैं लाइव दिखा रहा हूँ, एम्बुलेंस भी आया है तो ये चेक किए, एम्बुलेंस को भी चेक किए, जो कि बिहार सरकार के द्वारा आदेश नहीं है, क्योंकि सरकारी गाड़ी जिस प्रकार से एम्बुलेंस होती है उनको जाने की अनुमति है। भारत में होगा ना सर, तभी पॉसिबल है, नहीं तो कभी पॉसिबल नहीं है। कहीं लिख के भी अगर कोई बोलेगा लिख के देने के लिए तो लिख के दे देंगे। शराबबंदी पॉसिबल कभी भी बिहार में नहीं हो। नाम क्या आपका? अजीत कुमार सिंह। अभी देखिए चेक पोस्ट पे हम थे और अजीत कुमार जी हमारे साथ थे। इनका कहना है कि जब तक पूरे भारत में, ये केवल राजनीतिक का खेला है, राजनीतिक का खेला है कि बिहार में ही शराबबंदी क्यों, हर एक जगह तो बोल रहे हैं ये राजनीतिक का खेला है। देख लीजिए टाइट है, समझ गए ना, ये राजनीति का। सरकार को अब क्या करना चाहिए? सरकार को यही चीज कहना चाहते हैं कि अपना घमंड छोड़ दें। अच्छा हाँ, सरकार मतलब घमंड दिखा रही है। सरकार घमंड दिखा रही है किस प्रकार से? हाँ, किस प्रकार से? कि हम सबसे शेर हैं। अच्छा हाँ, बिहार में मतलब शराबबंदी लागू की है फिर भी बिक रहा है, फिर भी बिक रहा है। खुद सरकारें पी रहा है दारू, सरकार खुद दारू पी रहा है। देख लीजिए अभी हम चेक पोस्ट पे थे और एक चीज आपको बता दे कि यहाँ से जितनी भी गाड़ी गुजरती है, हालांकि अजीत कुमार जी थे, इनका कहना है कि पूरे भारत में जब तक शराब लागू नहीं होगा, जब तक शराब बिकते रहे। हालांकि इन्होंने सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया है कि सरकार खुद शराब पी रही है तो दूसरों को क्या पकड़ेगी, इनका कहने का मतलब है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अभी मैं गोविंदपुर चेक पोस्ट पर हूँ और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी है, एक एक गाड़ी को, चाहे यहाँ एम्बुलेंस जाती है या कोई भी गाड़ी जाती है, एक एक गाड़ी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो सर को मेरे तरफ से जय हिंद है, सैल्यूट है कि आप लोग इतना ईमानदारी पूर्वक से ड्यूटी निभाते हैं और आगे भी किसी प्रकार का हमेशा कोई भी दिक्कत होता है या कहीं भी कुछ होता है, हम लोग हमेशा टीम के साथ इनके साथ हैं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ कैमरा मैन अभिषेक के साथ। मैं सन्नी कुमार, जय हिंद।